आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। थैंक यू। हमसे आर्डर मिला था कि हम एक कॉलेज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें, तो इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और हमने एक पहल की कि हम एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इंटर कॉलेज लेवल का अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज करें। इसी सिलसिले में हमने सभी कॉलेजेस को इनवाइट किया। टूर्नामेंट जो आज का ये वुमेन जो अपॉर्चुनिटीज हमने हमें सब स्टूडेंट्स ने मिलके इसको, क्योंकि ये मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमारा कॉलेज जो है रखने का है बहाना भी, ये हमें स्टूडेंट बेस्ट स्पाइकर है, बेस्ट सब अनाउंसमेंट होगी बेन गंदबल। ये अवार्ड जाता है शी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बास्केटबॉल की और फिजिकल गंदबल इन मेन कैटेगरी बास्केटबॉल कॉलेज और फिजिकल और अब खो इश्तियाक अहमद खो खो वुमेन बेस्ट इज अवार्ड इन अनदर कैटेगरी। लम्हों के बीच यहाँ मौजूद सभी हजरात और खास कैमरों में तस्वीरें उतारी जा और हैं। इस अफसर ने भी हमें ग्राउंड लेवल तक जो जितने भी लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट में साथ ही साथ मेरा नाम आरिफ रशीद है, मैं अभी एज ए कोच अमर सिंह कॉलेज फुटबॉल टीम का हूँ और यहाँ पे इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज कंक्लूजन था। इसमें हमारी कॉलेज ने आज सेकंड पोजीशन हासिल की, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर ने आज फुटबॉल में सेकंड पोजीशन हासिल की और यहाँ पे यूथ सर्विस के डायरेक्टर और ज़िले के डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद थे और उनकी निगरानी में हमने हमारे बच्चों ने एक किट के तौर में और ट्रॉफीज मेडल्स और कैश प्राइज के तौर में रिवार्ड हासिल किए। ओवरऑल जो ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे इनक्लूड हुआ था बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा एंड हम चाहते हैं कि फ्यूचर में कि ऐसे और फेस्टिवल्स हो ताकि जो हमारे यूथ्स हैं वो भी आगे आ जाए और उनको भी मौका मिले अपना टैलेंट उभारने के लिए। ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है कि मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा इस टूर्नामेंट में चाहिए हमारी, क्योंकि हमारा पहले से मोटिव था कि we don't have to be runner up and we always try to be on top. Amar Singh College has been front line in every position whether it is curriculum or anything. To mehnat bhi kafi zyada hui, khushi bhi kafi zyada hai and thoda bahut dukh bhi is baat ka that we are runner up, but next time we might try better than this so that we won't be runner up.